आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। 2022 चुनावों से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके साथ ही रैलियों और जनसभाओं का दौर जोर शोर से चल रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज एक साथ प्रदेश के कई जिलों में दौरे करेंगे, जिसमें वो गोरखपुर, महाराजगंज, पीलीभीत के दौरे पर भी रहेंगे और साथ ही वो कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां पे वो कई करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, योजना और परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? जब से चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई है, लगातार मुख्यमंत्री लगातार 3-3 जिलों के दौरे कर रहे हैं। मैं पहले बताया था, कल भी मुख्यमंत्री के लगातार 3-3 दौरे थे, और अगर आज दौरों की बात करें तो मुख्यमंत्री गोरखपुर में भी जाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री का महाराजगंज दौरा भी है और पीलीभीत दौरा भी, क्योंकि चुनाव में बहुत समय नहीं बचा है और इसलिए 3-3 जिलों के दौरे कर पाए तभी लगभग पूरी तरह हो पाएंगे। और इसके लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कमर कसे हुए लगातार दौरे कर रहे हैं। अगर गोरखपुर के दौरे की बात करें तो आज गोरखपुर में बाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से महाराजगंज भी जाएंगे और वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। महाराजगंज की उन विधानसभा पे उनकी जनसभा होगी जहां पर अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, तो पहली जनसभा होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे के लगभग पीलीभीत भी पहुंचेंगे और वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के 3 दौरे हैं, एक गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत। जी, तो आज किस जिले की रैली में नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? आज अगर रैलियों की बात करें तो आज महाराजगंज और इसके साथ साथ आपका पीलीभीत में रैली में शामिल भी होगा, जनसभा को संबोधित करते हैं, क्योंकि महाराजगंज की और एक पीलीभीत की वो सीट है जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है, निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगाना जरूरी है। और उन्हीं चिन्हित स्थानों पर हम लगातार बता रहे हैं, लगातार हम देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भी दौरे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, बड़े नेता है, उनके वही दौरे होते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत नहीं पाई। विधानसभा सीटों का शेयर लगाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, और इसी कड़ी में लगातार उन्हीं स्थानों पर, विधानसभा स्थानों पर उनकी जनसभा कराई जा रही है जहां पर अब तक बीजेपी अपना बर्तन नहीं लहरा पाई। जी, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित भी करेंगे, तो इस जनसभा में कितने लोगों की भीड़ एकत्र हो सकती है गौरव? देखिए, जैसे कि कोविड गाइडलाइन से तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन के मामले पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोग शामिल हो, पर निश्चित जैसा का उनका एक अपना एक औरा है, अपनी एक व्यवस्था है, और जहां पर जाते हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल भी होते हैं, चूंकि जनता को सौगात भी कई तरह के देते हैं, तो निश्चित रूप से जनसभा तो विशाल ही होगी। और चूंकि अभी मामले होता है उत्तर प्रदेश के मामले की बात करें तो बहुत ज्यादा मामले अभी ओमिक्रॉन के नहीं आए हैं और फिलहाल अभी नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है, तो बड़ी जनसभा यहाँ पर हो सकती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होंगे, चाहे वो महाराजगंज की बात करें चाहे पीलीभीत की बात करें। जी गौरव, इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद कहां पे जाने वाले हैं? इसके बाद महाराजगंज जाएंगे और उसके बाद फिर जो उनका आखिरी दौरा रहेगा वो रहेगा पीलीभीत का, जहां पर विधानसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो गोरखपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, बड़ी सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां पे बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर हैं और सिर्फ दौरे नहीं कर रहे, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, बड़ी सौगातें हुए देते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी आज दौरा है, जहाँ आज वो रैली में शामिल होंगे और जनता के बीच मौजूद रहेंगे और तमाम सौगातें भी देते हुए नजर आएंगे। कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जबकि बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के आंकड़े 100 के पार पहुंच चुके हैं और राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में 25 नए केस सामने आए हैं। वहीं पूरे यूपी में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 473 पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार ने न्यू ईयर से पहले नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू के साथ सेकेंड वेव में लगाई गई बाकी पाबंदियां भी वापस आ गई है। इसी के साथ साथ नए साल के जश्न को लेकर भी लखनऊ के जिलाधिकारी ने नियम भी जारी कर दिए हैं। 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े 100 के पार नजर आए हैं और
अब जिस तरह से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है, इसको देखते हुए पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि अब देश में हर जगह कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रोन का खतरा भी देखने को मिल रहा है और नए साल के अवसर पर जहां लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, जमावड़ा देखने को मिलता है, उसी को रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए अब पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां जारी कर दी गई है ताकि नए साल के अवसर पर लोग भीड़ भाड़ से बचे रहें और सभी दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार जहां जहां पे भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है वहां पे प्रशासन द्वारा रात में पेट्रोलिंग करी जा रही है और नजर बनाई रखी जा रही है कि कहीं पे भी जो गाइडलाइंस जारी करी हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा, कहीं उसको नजरअंदाज करके लोग भीड़ भाड़ तो नहीं एकत्र कर रहे, घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। साथ ही धारा 144 भी कई जगह पे लागू कर दी गई है नए साल के अवसर पर, और खास तौर से नए साल के अवसर पर पूरे एक हफ्ते का ज्यादातर जगह पे लॉकडाउन की जैसी परिस्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ दिन के समय लोगों को इजाजत रहेगी बाहर निकलने की, लेकिन नाइट कर्फ्यू का ऐलान जरूर कर दिया गया है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लखनऊ में इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है? जी विभांशु, लखनऊ में इस वक्त कोरोना के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं लखनऊ में? अगर कल की बात करें तो कल लखनऊ में टोटल 22 केस मिले हैं, और अगर बात करें पूरे लखनऊ की तो 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, और प्रदेश की बात करें तो 550 से ऊपर मामले आ चुके हैं। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 महीनों में तो पूरे देश भर में 13,541 मामले आए हैं, और ये कह सकते हैं कि 5 महीनों में जो सबसे ऊंची उछाल है वो कल देखने को मिली। जी, तो कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। ओमिक्रोन के मामले कितने दर्ज किए जा चुके हैं प्रदेश में? प्रदेश भर में अगर बात करें ओमिक्रोन की तो अब तक प्रदेश भर में 99 केस देखे गए हैं, जिसमें से लखनऊ में अब तक एक भी नहीं पाए गए हैं। और अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभागों की तरफ से चेतावनी भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और वहीं मुंबई को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि वहां केस दुगुना से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई फिर से केंद्र बन रहा है, और खास तौर पे लोगों का नए साल पे उधर घूमने के लिए जाते हैं, जिसको खास तौर पे रोकने का प्रयास होगा। विभांशु, अलग अलग राज्यों में ओमिक्रोन के मामले भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी जिस तरह से लखनऊ में कोई ओमिक्रोन का मामला सामने नहीं आया है, तो क्या रोक लगानी चाहिए कि बाकी राज्यों से आने से पहले टेस्टिंग जरूरी हो और पाबंदियां जारी कर दी जाएं? जी, अब रेलवे मंत्रालय को एक सूचना दे के लोगों से ये अपील करनी चाहिए कि RT-PCR रिपोर्ट के बाद ही आप अपनी यात्रा पे जाएं, जिससे संक्रमण में की रफ्तार कम होगी, और स्टेशनों पे खास तौर पे उनके बॉडी टेम्परेचर लिए जाए, जिससे पता चल सके कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। और खास तौर पे गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, ये प्रशासन और रेलवे और इन सभी परिवहन विभागों के द्वारा देखने को मिल रहा है, जिसमें खास तौर पे लोग भीड़ के साथ दिख रहे हैं और हर जगह बिना मास्क के दिख रहे हैं। तो इसके लिए चेतावनी देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद इसे पालन कराने का काम भी करना होगा। जी विभांशु, नए साल के अवसर पर जिस तरह का जश्न देखने को मिलता है, तो उससे पहले ये जो पाबंदियां लागू की गई हैं, ये कितनी जरूरी थी? जी, अगर नए साल पे लोग मास गैदरिंग करते हैं तो उसके खास तौर पे जो फैलाव होगा इस वायरस का वो ज्यादा होगा, तो इसको देखते हुए लोगों को मतलब कहा गया है हर जगह कि 50% के साथ आए, तो 50% के साथ ना आए, लोग अपने घर में मनाएं, जिससे अभी अगर बात करें विदेशों की तो वहां रफ्तार बहुत ही तेज है, और कहा जा रहा है कि ये तीसरी लहर आ चुकी है, और मुंबई में मान लिया गया है, मुंबई के स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा कहा गया है कि तीसरा लहर आ चुका है, तो हमें सचेत रहना पड़ेगा जिससे ये रोकथाम लग पाए। जी विभांशु, अगर लोगों की लापरवाही की बात करें तो लोग कितने लापरवाह नजर आ रहे हैं, तीसरी लहर की बात कही जा रही है, उसके बावजूद भी अभी भी लोगों में कोई डर नजर नहीं आ रहा है, मास्क का उपयोग करना लोगों ने छोड़ दिया है, कितने लापरवाह दिख रहे लोग? जी अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश ने कल एक फरमान जारी किया है कि
नो मास्क नो सामान, मतलब आप दुकानदारों को ही मास्क लगाना होगा, खरीदारों को भी लगाना होगा। अब इसको देखते हैं कि ये जमीन पर कितना कारगर साबित हो पाता है। और अगर बात करें प्रदेश भर की, तो प्रदेश भर में अगर लोगों को आप देख रही हैं कि कैसे जन सैलाब उमड़ रहा है चुनावी रैलियों में, एक तरफ जय भाजपा की तरफ से जन विश्वास यात्रा की जा रही है, तो वही सपा की तरफ से विकास यात्रा की जा रही है। तो खास तौर पे आप देख रही हैं कि कैसे जन सैलाब उमड़ रहा है, तो नेताओं को भी अब डिजिटल रैली के माध्यम से ये अपनी रैलियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता आए कि लोग इकट्ठा ना हो। और प्रशासन को भी अगर इसको रोकथाम करना है तो कड़ाई के साथ मास्क और जो दूरी बनाने की जो पुरानी रीति चली थी पहले और दूसरे वेव में, उसको फिर से पालन करना पड़ेगा, इससे जाके रोकथाम मिलेगी। जी विभांशु, अगर बात करें लखनऊ की, तो धारा 144 लागू कर दी गई है और 5 जनवरी तक के लिए ये लागू की गई है, तो इसका कितना पालन देखने को मिल रहा है? अगर धारा 144 की बात की जाए तो खास तौर पे लखनऊ प्रदेश जो छात्र हैं, प्रशिक्षु हैं या अभ्यर्थी हैं, उनका केंद्र बन चुका है वो चुनाव। अभी महज कुछ महीने बचे हैं और उनका प्रदर्शन धीरे धीरे हजारों की संख्या में, कभी सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम दिख रहा है कि धारा 144 के बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो अगर धारा 144 की बात की जाए तो पूरी तरह से फेल है। मार्केटों में वैसे ही भीड़ लग रही है, मेले का आयोजन भी कई जगह देखने को मिल रहा है। तो धारा 144 केवल कागजी जुमला हो चुका है। जी, अगर बात करें चुनाव को लेकर, तो चुनाव में भी भीड़ काफी देखने को मिल रही है, और बात करें अगर पर्यटन स्थल की, तो वहां पे भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना भाग जाएगा? नाइट कर्फ्यू की अगर बात करें तो अभी ठंड का समय चल रहा है, अभी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ये जो टाइमिंग है ये रखा गया है। तो इसमें खास तौर पे लोग ठंडियों में घर में रहते हैं, मगर ये नाइट कर्फ्यू को थोड़ा पहले से लगाना चाहिए कि, और खासकर जैसे लोग छोटी मंडियों से सामान खरीद रहे थे और बड़ी मंडियां नहीं जा रहे थे जिससे भीड़ कम हो रही थी, इस तरह के पुराने जो प्रावधान थे उसको फिर से मानना पड़ेगा, तभी जाके रोकथाम होगी इस वायरस पे। जी विभांशु, दूसरी लहर के दौरान देखा गया था कि व्यापारियों ने खुद से ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए या तो दुकानें बंद कर दी थी या फिर जो है कुछ उपाय करे थे, तो क्या इस बार भी लोग जागरूक दिखेंगे, इस तरह से व्यापारी जागरूक दिखेंगे? जी, अगर अब लोगों में काफी समझ आ चुकी है, पहली वायरस जब पहला लहर आया था तो लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं थी, मगर इस बार लोग सचेत हो चुके हैं, चाहे किसी तबके की बात करें। तो हम इस बार देखेंगे कि कैसे जागरूकता के साथ व्यापार भी चलता है और लोगों का काम भी चलता है, क्योंकि अगर किसी का व्यापार बंद हुआ तो इसका इफेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों को होगा। तो इसमें देखने वाली बात होगी और ये काफी चुनौती का विषय होगा कि कैसे इस चीज को ग्राहक पालन करवाते हैं, और इस बार तो उन्हें एक्सपीरियंस भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक ही दिन में 100 आंकड़े सामने आने के बाद ये समझ जाना चाहिए जनता को कि हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी देखने को मिल रहा है। तो जितना संभव हो सके भीड़ भाड़ से दूर रहने की कोशिश करिए और बेवजह यात्राएं ना करिए, और यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो जाने से पहले और वापस आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं, ताकि आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, अपनों को सुरक्षित रख सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।